हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे समझेंगे हम विद्या क्वेश्चन बैंक के बारे में। और ये जो विद्या क्वेश्चन बैंक है, ये क्लास 10 के मैथ्स का क्वेश्चन बैंक है। कौन सा है? 10th गणित का क्वेश्चन बैंक है। इस क्वेश्चन बैंक से लगभग 90% क्वेश्चन मालूम किए जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बार बार जो रिपीट किए जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं पेपर में, केवल हम उन्हीं समझेंगे। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न पर आप ये निशान लगा लीजिए और उन्हें तैयार कर लेना। अगर वो सारे तैयार हो जाते हैं तो पेपर टॉप क्लास हो जाएगा। ओके, तो देखिए समझिए क्वेश्चन बैंक कौन सा है। न्यू क्वेश्चन बैंक है, तो चलते हैं क्वेश्चन बैंक पर। ओके, और बताइए कि वीडियो कैसा है। हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स, ये क्लास 10th के मैथ्स की क्वेश्चन बैंक है, विद्या क्वेश्चन बैंक। ये मैथ की है, गणित की क्वेश्चन बैंक है। तो देखिए 2024 का ये पैटर्न है, न्यू पैटर्न है। ये किस तरीके से आ रखा है और कितना यूजफुल होता है एग्जाम के लिए, इसको समझते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन बैंक के बारे में सारा कुछ जानते हैं हम। इसका जो प्राइस पड़ेगा, आपको प्राइस मिल जाएगा इसका मार्केट में। देखिए, ये 90 रुपीज़ के आसपास का मिल जाएगा आपको, लेस काट के 130 रुपये इसका MRP है। तो देखिए, ये इस तरीके का क्वेश्चन बैंक है 2024 का। इसमें जो पहला चैप्टर है वो समझिए, पहला चैप्टर क्या है। पहला चैप्टर है इसमें वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं में इस तरीके का पैटर्न बना रखा है। शुरू में इस तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं। ओके, चलिए इसमें जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है, आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना, तीसरा वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, और चौथा वाला तैयार करना है। और जो IMP क्वेश्चन है आप उन पर निशान लगा लेना, और क्वेश्चन नंबर 7वां आपको तैयार करना है। ओके, अगर आपने इस क्वेश्चन बैंक से ये क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आराम से आपका पेपर टॉप क्लास हो जाएगा पेपर में 2024 का जो एग्जाम होगा। अब उसमें क्वेश्चन नंबर 8वां तैयार करना आपको। ओके, और क्वेश्चन नंबर 9वां तैयार करना है। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आपके तैयार हो जाते हैं तो आपका अच्छा पेपर हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, चौथा जो क्वेश्चन है, ये सिद्ध कीजिए कि 5+√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये मोस्ट IMP है, इसको जरूर तैयार करना। और एक ये वाला क्वेश्चन, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% मालूम करता है। और इस टाइप का और भी क्वेश्चन आ रखे हैं, जैसे कि 9वां आ रखा है और 10वां आ रखा है, ये आपको जरूर तैयार करना है। ओके, तो ये जरूर से जरूर तैयार करके जाना है एग्जाम के लिए, जो आपको निशान लगवाए जा रहे हैं इस क्वेश्चन बैंक पे। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी तैयार कर सकते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 3 कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी आपको तैयार करना है। तो इस चैप्टर से अगर आपने इतने ही क्वेश्चन तैयार कर लिए तो सारे का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे आप इस चैप्टर के। तो देखिए, सेकंड वाला चैप्टर है कि बहुपद। ये बहुपद का चैप्टर है, ये इसके क्या है फॉर्मूले हैं, और ये इसके नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको कौन कौन से तैयार करने हैं वो समझिए। देखिए, आपको जो क्वेश्चन तैयार करना है उस पर निशान लगा लीजिए, तो तैयार कर लेना। ओके, देखिए इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ आता नहीं है एग्जाम में, चलो छोड़ो इसको। और देखिए चैप्टर नंबर 3 से सबसे ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, इसमें से देखें आप। देखिए इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं आपको, ये समीकरण हल करने के लिए आती हैं। जैसे ये K का मान काफ़ी मालूम करता है एग्जाम में कि K का मान ज्ञात कीजिए, ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। और ये K का मान ज़रूर तैयार करना है कि K का मान कैसे निकलता है, ये तो निकालना सीखना पड़ेगा आपको। ओके, नहीं आता है तो आप बता दीजिए, इन क्वेश्चन के सबके सब वीडियो बना देंगे हम। ओके, और ये दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ये भी काफ़ी आ जाता है, इसको आपको तैयार करना है। और ये वाला क्वेश्चन तैयार करना आप बार बार। पी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों का युग्म अद्वितीय हल है, ये वाला आपको तैयार करना है, ये इसका सोल्यूशन है। तो ये क्वेश्चन अगर आपके तैयार हो जाते हैं तो आपका पेपर टॉप क्लास हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास या आपके फ्रेंड्स के पास ये क्वेश्चन बैंक नहीं है तो ये वीडियो आप उनके पास शेयर कर दीजिए, और उनसे कह दीजिए कि ये क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन हर साल मालूम करते हैं। देखिए 2022-23 में भी आ रखा है, और ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किए जाते हैं। और ये वाला क्वेश्चन तो देखिए पिछले साल मालूम किया गया था कि 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आपने सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए तो टॉप क्लास का पेपर होगा एग्जाम में। 8वें तैयार करना आपको, और ये वाला क्वेश्चन 9वां वाला भी तैयार करना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करके जाना फ्रेंड्स। ओके, चलिए अगर आपसे इनका सोल्यूशन नहीं आता है तो आप बता दीजिए कॉमेंट बॉक्स में, फिर हम इसका एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करके आपको दे देंगे। ओके, और ये वाला क्वेश्चन भी तैयार करना आपको। और देखिए द्विघात समीकरण से आपको क्या तैयार करना है वो समझिए। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करना है, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना आपको,
का मान निकालने के लिए मालूम करता बार बार, विविध का निकालने के लिए। और तो क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ये वाला आठवां वाला तैयार करना है और ये ग्यारहवां क्वेश्चन तैयार करना है। ये वो क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो हर साल मालूम करते हैं एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए तो ये तो फिर तो सारा का सारा पेपर करा के छोड़ेंगे एग्जाम में ये क्वेश्चन ही। ओके, और देखिए ये वाला मोस्ट आईएमपी है, जो पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ये वाला समीकरण ये काफी आते हैं एग्जाम में, ये आपको जरूर से जरूर सोल्व करके जाना, बार बार प्रैक्टिस करके जाना है। देखिए अगर इसका सोल्यूशन नहीं आता तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, वीडियो बन जाएगी। ये तीसरा क्वेश्चन तैयार करना है, चौथा तैयार करना है। तो इस टाइप के समीकरण है तो मालूम करते ही सोल्व करने के लिए, इससे आपका बेसिक भी ठीक हो जाएगा। और जो तैयार करना है वो समझिए, एक ये वाला क्वेश्चन कि एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी वजह 60 मीटर अधिक लंबा है। ये भी क्वेश्चन कराया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं, उसमें ये समझाया गया है। ओके, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन के लिस्ट में आपको मिल जाएगा, इसके 10th क्लास के मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर देखिए कि वीडियो इनकी। और जो आपको तैयार करना है, अब आता है चैप्टर, देखिए पहले इसी चैप्टर में से ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लें। ये मोटर बोर्ड वाला जरूर आ जाता है, मोटर बोर्ड इसका सॉल्यूशन है, ये इसका आंसर है 8 किलोमीटर पर घंटा। और ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है 15वां, एक नाव के शांत जल में चाल 15 किलोमीटर पर घंटा है। ये क्वेश्चन आपको जरूर देख कर जाना है। फिर आता है चैप्टर समांतर श्रेणी वाला, इसमें से क्या तैयार करना है वो देखिए, इसमें से जो आपको तैयार करके जाना है उस क्वेश्चन पर निशान लगा लीजिए और तैयार कर लीजिए। देखिए इस चैप्टर में से ज़्यादा कुछ आया नहीं था क्योंकि चैप्टर हटा रखा था, तो इसमें से जो आपको तैयार करना है, एक तो ये आठवां क्वेश्चन तैयार करना है, और जो तैयार करना है नवा तैयार करना है, और जो आपको तैयार करना है और बारहवां, बस इतने ही क्वेश्चन तैयार कर लें। तीन ही इसी चैप्टर से काफ़ी हैं, बार बार ये रिपीट किए जाते हैं ना, इस वजह से आपको ये बताए जा रहे हैं। आता चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज, अब त्रिभुज में से जो आता है एग्जाम में बार बार उस पर निशान लगा दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है ये अति लघु का, इसको आपको तैयार करना है। इसमें एडी का मान पूछा है कि एडी की भुजा कितनी आएगी, तो 3.6 आ जाएगी सोल्व करके। ओके, आपको सॉल्यूशन में आंसर दिखाई भी दे रहा होगा। और पांचवा क्वेश्चन तैयार करना है, और देखिए और क्या क्या दे रखा है इस क्वेश्चन बैंक में, और जो आपको तैयार करना है वो समझिए। बस इस चैप्टर से ज्यादा कुछ तैयार ना करना है, ये वाली प्रमेय तैयार करनी है, सिद्ध कीजिए कि प्रमेय, ये जो प्रमेय होती है ये मालूम कर लेते हैं। निर्देशांक ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट निर्देशांक कहते हैं इसको। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन तैयार करना है मोस्ट आईएमपी एग्जाम के लिए, ये वाला जो क्वेश्चन है कि बिंदु इतने कोमा इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ओके चलिए, और जो तैयार करना है वो देखिए, और जो आपको तैयार करना है क्वेश्चन नंबर 6 तैयार करना है, और जो तैयार करना है वो समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 तैयार करना है, ये 10 भी काफ़ी आ जाता है। और जो तैयार करना है आपको, ये पहला वाला क्वेश्चन तैयार करना है अति लघु का, M1 M2 से जो सोलह हो गया आता है, और तैयार करना है तीसरा। ओके, ये क्वेश्चन अगर आपके तैयार हो जाते हैं तो टॉप क्लास पेपर हो जाएगा। और आपका नवा क्वेश्चन तैयार होना है कि वह मान ज्ञात कीजिए, वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतने कोमा इतने के बीच की दूरी 10 मात्रक इसका आठ है। और क्वेश्चन नंबर 7 वो तैयार करके जाना है कि बिंदु इतने के निर्देशांक इतने हैं तो इसका मान निकालिए, ये सारा सोल्व करके जाना है। और ये क्वेश्चन सोल्व करना 10वां वाला, ये सारे के सारे मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, ये आपको जरूर तैयार करने हैं। और ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है कि ये त्रिभुज बनाता नहीं बनाता है, तो त्रिभुज बनाने के लिए सोल्व करना आना चाहिए। ओके, आगे समझिए, आगे कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है आपको एग्जाम के लिए वो जानते हैं, बस इतने ही तैयार कर लेना। ओके, अब आती है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति इस तरीके से आ रखी है, और शुरू में इसकी सारणी दे रखी है त्रिकोणमिति की, ये सारणी के मान पता होने चाहिए। और जो क्वेश्चन आपको सोल्व करके जाना है, ये क्वेश्चन करना है ये वाला दूसरा वाला और एक पहला वाला। ओके चलिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपसे सोल्व करने आने चाहिए। ओके, और जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है ये वाला मोस्ट टाइम पे, ये वाला नवा क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा मालूम करता है ये किसका मान होता है। ओके चलिए, और 13वां क्वेश्चन आपको जरूर देख के जाना है, और 16वां क्वेश्चन आपको जरूर देख के जाना है। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में मालूम करते हैं। ओके चलिए, और जो आपको तैयार करके जाना है वो देखिए। अब आते हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इसमें से एक क्वेश्चन 100% मालूम करते हैं एग्जाम में 6 नंबर का, जो आपको देख के जाने हैं वो समझिए। एक क्वेश्चन आपको 14 वाला तैयार करके जाना है। ओके, ये वाला क्वेश्चन,
और जो क्वेश्चन तैयार करना आपको, समुद्र तल से ये वाला तैयार कर लेना, ये भी काफी आता है। और एक चिड़िया वाला, ये चिड़िया वाला भी मालूम कर लेता। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंची पेड़ पर बैठी है, और ये क्वेश्चन आप देख लेना। ओके, अगर सॉल्यूशन नहीं आता तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, तो कराते फिर इनको सॉल्व। और ये वाला क्वेश्चन तैयार करना कि 60 मीटर ऊंची क्या है मीनार है, और मीनार की ऊंचाई इसमें क्या पूछ रहा है कि मीनार से उसकी दूरी क्या है, ये हमें बताना है। ध्यान से पढ़ लेना, ये केवल क्वेश्चन बैंक का रिव्यू हो रहा है, और आईएमपी क्वेश्चन पे निशान लगवाए जा रहे हैं, सोल्यूशन नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 आपको तैयार करना है कि 7 मीटर ऊंचे भवन वाले, ये देख लेना, ये क्वेश्चन काफी आता है ये वाला भी। अब आता है व्रत वाला सेक्शन। देखिए व्रत वाला चैप्टर है 10वां है, और ये इस तरीके से व्रत आ रखे हैं। अब व्रत में आपको कौन कौन सी रचना तैयार करनी है, कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं वो समझिए। देखिए आपको तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन 10वां, और एक ये वाला 11वां, और जो आपको तैयार करना है वो समझिए। देखिए ज्यादा कुछ मालूम नहीं करता, ये व्रतों के क्षेत्रफल से काफी आ जाता है, इसमें से देखिए इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं वो समझिए। देखिए आपको जो तैयार करना है ये 6ठा क्वेश्चन तैयार करना है, इसमें क्षेत्रफल पूछेगा इसका, इसका ये एरिया पूछेगा कितना एरिया है, और तैयार करना है ये 9वां क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन। बस इतने क्वेश्चन तैयार कर लेना इससे, इसी से काम टॉप क्लास हो जाएगा। और जो तैयार करना है आपको वो समझिए, और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन से तैयार करने हैं, कौन कौन से हैं वो देखिए। इसमें से आपको तैयार करना है ये वाला, पहला वाला, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 है, ये वाला तैयार करना है, और ये वाला तैयार करना है, और 5वां तैयार करना है। ये सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक 9वां क्वेश्चन तैयार करना है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या इतनी है, और शंकु का आयतन इसमें सॉल्व करके लेकर आना है। और क्वेश्चन तैयार करना है कि दूसरा वाला क्या है, और जो तैयार करना है आपको ये वाला तैयार करना है, संलग्न क्षेत्र में दबा गया कैप्सूल, कैप्सूल के बारे में इसमें क्षेत्रफल निकालना, इस तरीके से लोगों का आता है 220 mm². तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए। ये शंकु के आकार का देखिए, एक ठोस शंकु के आकार का ये वाला क्वेश्चन आपको देखना है, समझना है, करना है सॉल्व, और ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। बस इतने ही क्वेश्चन तैयार कर लें, फिर आता है तुम्हारा 13वां चैप्टर सांख्यिकी। सांख्यिकी में ये शुरू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके, क्या है ये सारे के सारे क्या है फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूला आपको तैयार होने चाहिए, ये इसके क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना, 9वां 10वां 11वां और 12वां, ये सारे क्वेश्चन तैयार करने के बाद में आपका ये एक भी नहीं बच पाएगा इस चैप्टर से। ओके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 17वां तैयार करना, 18वां तैयार करना, ये सारे क्वेश्चन तैयार हो गए तो कुछ नहीं बचेगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से इस चैप्टर का। और ये वाला बहुलक पूछेगा, बहुलक मालूम निकालना, देखिए ये बहुलक पूछेगा, बहुलक इसमें निकालना है, बहुलक कैसे निकलता है आपको पता ही है, नहीं पता तो आप बता सकते हैं, इसको सोल्व करा सकते हैं फिर। और ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, और 3रा क्वेश्चन तैयार करना है समांतर माध्य वारंवारता वाला। ओके और 6ठा क्वेश्चन तैयार करना है, काफी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है ये वाला, 6ठा वाला, ये 6ठा वाला और 3रा वाला आपको जरूर तैयार करके जाना है, और ये अभी काफी रहे एग्जाम में। ओके चलिए ये सारे क्वेश्चन तैयार होने के बाद में आप टॉप क्लास पेपर करके आएंगे। और ये पी कमान तो काफी मालूम करता है कि पी कमान कैसे निकलेगा इसके अंदर। ओके ये सारे क्वेश्चन आपसे आने चाहिए। और ये 4था क्वेश्चन कैसा होगा कि निम्नलिखित आंकड़ों के आंकड़ों से माध्य का वर्ग तथा माध्य की गणना कीजिए, ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करके जाना है। ओके और ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करके जाना है कि निम्नलिखित आंकड़ों इतने के इसमें आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है इसका। ओके चलिए ये सारे क्वेश्चन आपसे तैयार हो गए हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके बाद में, इनको भूलना मत, बार बार इनको देखते रहना, नहीं तो भूल जाते हैं। बस फिर आती है प्रायिकता, प्रायिकता में से क्या तैयार करना है वो समझिए। देखिए 6ठा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लेना है, पहला वाला तैयार कर लेना है। ओके और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जिन पर क्वेश्चन बैंक नहीं है उस पर ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनका भला हो जाएगा। ओके क्योंकि ये सारे के सारे जो वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, ये इसी वजह से वीडियो बनाई जा रही है कि सबको पता चल जाए कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं,
और लास्ट में आपको क्या होता है इसमें, इसका एक मॉडल पेपर होता है। ये मॉडल पेपर आपको जरूर देख कर जाना है, ये इसका मॉडल पेपर है, आप देख पा रहे होंगे ये जो मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर आपको आने चाहिए कैसे सोल्व होता है। ओके, ये सारे 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है शुरू में, और ये क्वेश्चन आ रखे हैं इसके अंदर, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। ओके, तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं। ये क्या है, इसका एक मॉडल पेपर है, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू में आ रखे हैं, ये भी 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए। और आपसे ये सारे सारे अगर आपसे ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने आते हैं, तो पूरा पेपर टॉप क्लास होगा आपका। और ये मॉडल पेपर है तीसरा वाला, देख लें कैसा आ रखा है, और ये इसके सारे के सारे क्वेश्चन हैं। ओके, चलिए लास्ट ये है प्री बोर्ड वाला। ओके, ये इस तरीके से आ रखा है, ये इसके क्वेश्चन हैं, इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना। लास्ट वाला ये है वार्षिक वाला था, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे आने चाहिए, सारे के सारे जो इसमें मॉडल पेपर में दे रखे हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लास्ट में इसमें हमारी सीट मिली होगी, तो हमारी सीट में आपको पता ही है कैसे ब्लैक करना, बोले हो काला कैसे करना है, 20 नंबर ये शुरू में आपको फिल करने पड़ेंगे ब्लैक पेन से, और गोला बनाना होगा किसका कौन सा आंसर है। ओके, ये क्वेश्चन बैंक का पूरा रिव्यू कर दिया हमने, पूरी क्वेश्चन बैंक बता दिया कि विद्या क्वेश्चन बैंक कितनी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और इससे जो IMP क्वेश्चन है जो हर साल मालूम करते हैं वो सब आपको पता चल चुका है। उसमें से सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेना, कुछ नहीं बचेगा पेपर में, सारे के सारे यही क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। पूरे मैथ में से अगर आप इतने ही क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो आपसे पूरा पेपर हो जाएगा। ओके, ये हमारी गारंटी है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए, फिर से किसी क्वेश्चन बैंक के रिव्यू में मिलते हैं। अगर आपको ऐसे ही जो एग्जाम में यूजफुल वीडियोज होती हैं, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स।